हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो का हमारा टॉपिक है इंपोर्ट गुड्स। जब हम किसी दूसरे कंट्री से गुड्स इंपोर्ट करके लेकर आते हैं, तब किस तरीके से हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करती है, अकाउंट्स ओपन कैसे करती है, एंट्रीज कैसे डालती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो इस लेक्चर के अंदर हम बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी स्टडी करने वाले हैं, यानी कि जब हम गुड्स को इम्पोर्ट करते हैं और गुड्स टैक्सेबल भी हो सकती हैं और एग्जम्प्टेड गुड्स भी हो सकती हैं। और टैक्सेबल गुड्स जब हम इम्पोर्ट करते हैं तो जीएसटी एक्ट हमारा क्या कहता है, और जब हम एग्जम्प्टेड गुड्स इम्पोर्ट करते हैं तो जीएसटी एक्ट हमारा क्या कहता है, आइए वो हम अकाउंट क्रिएट करते करते स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग इन्फो में जाएंगे, लेजर क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमने गुड्स इम्पोर्ट की है। मान लेते हैं हम यूएसए से गुड्स परचेज करके लेके आए हैं, तो हम इम्पोर्ट परचेज हमने इंपोर्ट की है, या अकेला इंपोर्ट वर्ड भी लिख सकते हो, इससे पता चल जाता है कि ये गुड्स इंपोर्ट हुई हैं। इंपोर्ट टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 18% जीएसटी अकाउंट। तो इस तरीके से आपने ये अकाउंट का नाम रखना है जब हम टैक्सेबल गुड्स इंपोर्ट करते हैं। जिस रेट की गुड्स इंपोर्ट करेंगे, जिनके ऊपर यानी कि हमारी गवर्नमेंट जीएसटी एक्ट के बेस पे 18% या 5% या 28% अगर जीएसटी लगाती है, तो उसके बेस पे आपने ये इंपोर्ट टैक्सेबल 18% 12% का अकाउंट ओपन करना है। और ये अकाउंट हम परचेज के अंदर ओपन करेंगे, यानी कि आपको ये पता चल गया कि जब हम टैक्सेबल गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो जिस रेट की हम इंपोर्ट करेंगे उनको हमने इस अकाउंट के जरिए उसका रिकॉर्ड रखना है, यानी कि उनको अपने इस टैली के अंदर उनका ट्रीटमेंट दिखाना है। तो इंपोर्ट टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 18% 12% ऐसे हम अकाउंट खोलते हैं। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल हम यस करेंगे, यहाँ पे क्लासिफिकेशन अनडिफाइंड देंगे क्योंकि हमने गुड्स इंपोर्ट की हैं, टैक्सेबल गुड्स इंपोर्ट की हैं जिनके ऊपर हमें टैक्स देना है। इन गुड्स के ऊपर एक आपने और ध्यान रखना है कि जो परचेज करने वाला है वो गवर्नमेंट को टैक्स देता है। जिससे हमने गुड्स खरीदी हैं, यानी कि दूसरे कंट्री से हम गुड्स खरीद के लेके आए हैं, वो हमसे टैक्स नहीं लेंगे, दूसरे कंट्री वाले हमसे टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन हमारे कंट्री वाले, हमारी गवर्नमेंट, हमारा जीएसटी एक्ट के बेस पे हमें टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये इंपोर्ट टैक्सेबल आपने सिलेक्ट करना है और इंटीग्रेटेड टैक्स के अंदर आपने रेट डालना है। जैसे कि 18% अगर रेट है तो 18% रेट आप डालोगे, अगर 12% रेट है तो 12% डालोगे, अगर 28% रेट है तो 28% डालोगे। तो मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे हमने यहाँ पे रेट डालना है, और एंटर करते जाइए तो ये आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे आपने सप्लाई टाइप के अंदर गुड्स सेलेक्ट करना है कि हम गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, और अपना अकाउंट सेव कर लेना है। तो इस तरीके से हम ये इम्पोर्ट का अकाउंट क्रिएट करते हैं। और ऐसे ही जब हम एग्जम्प्टेड गुड्स इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट एग्जम्प्टेड जीएसटी अकाउंट, तो ये इसका मतलब है कि हमने ऐसी गुड्स इंपोर्ट की हैं दूसरे कंट्री से जिनके ऊपर हमारे देश के अंदर कोई भी टैक्स नहीं लगता, यानी कि हमारे देश के अंदर इनके ऊपर टैक्स एग्जम्प्टेड कह सकते हो या नील रेट है। तो दोनों केस में हम ये एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अलग अलग, नील रेट का और एग्जम्प्टेड का। इंपोर्ट के केस में हमें अलग अलग अकाउंट ओपन करना नहीं पड़ता। अगर आप करना भी चाहें, ये बिजनेस की रिक्वायरमेंट अगर है तो वो अलग अलग भी क्रिएट कर सकते हैं। तो परचेज के अंदर इसको हम ओपन करेंगे, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में जाएंगे और यहाँ पे क्लासिफिकेशन अनडिफाइन करेंगे, और मेन नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के अंदर इम्पोर्ट एग्जम्प्टेड, तो नील रेट के केस में और एग्जम्प्टेड के केस में आपने ये नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, यही एक अकाउंट सिलेक्ट करना है, इंपोर्ट एग्जम्प्टेड, इसको सिलेक्ट कीजिए। और यहाँ पे आपने टैक्सेबिलिटी सिलेक्ट करना है कि ये एग्जम्प्टेड है, नील रेट है, टैक्सेबल। तो अगर आपने नील रेट और एग्जम्प्टेड का एक ही अकाउंट बनाया है तो आप यहाँ पे नील रेट और एग्जम्प्टेड की बजाय अननोन सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आपने अननोन सेलेक्ट कर लेना है, और सप्लाई टाइप आपके गुड्स। तो इस तरीके से हम ये इंपोर्ट एग्जम्प्टेड जीएसटी का अकाउंट ओपन करते हैं। तो उसके बाद हम एंट्री डालेंगे और टैक्स जो लगेगा उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले मान लेते हैं हम ये गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड गुड्स दूसरे कंट्री से परचेज करके लेके आए हैं, हमने उनको तो कोई टैक्स नहीं देना, तो इसीलिए हम पहले परचेज की एंट्री डाल लेते हैं।
हमने सप्लायर नंबर लिखा, डेट लिख दी है, और यहाँ पे हम पार्टी का नाम जिससे हमने ये गुड्स खरीदी है, मान लेते हैं ये ब्रिटिश एंड कंपनी। मैंने ऑलरेडी ये अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है ब्रिटिश एंड कंपनी, तो ध्यान से इस अकाउंट को आप देखिएगा, ये मैंने अकाउंट ऑलरेडी बना रखा है। तो ये अकाउंट देखिए, मैंने ऑलरेडी ये अकाउंट बना रखा है ब्रिटिश एंड कंपनी अंडर डेटर के अंदर बना रखा है। तो इसके बाद आपने एंटर करते चले जाना है, और यहाँ पे आपने स्टेट पूछ रहा है, नोट एप्लीकेबल देना है, और टाइप ऑफ डीलर के अंदर आपने नोट एप्लीकेबल, क्योंकि हम दूसरे कंट्री से गुड्स खरीद के लेके आए थे, इसीलिए जब हमने क्रेडिटर अकाउंट बनाया वहां भी हमने नोट एप्लीकेबल दिया कि वो ना तो कंपोजिट डीलर है, ना रेगुलर डीलर है, ना अनरजिस्टर्ड डीलर है। ठीक है, तो आप नोट एप्लीकेबल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और जब वैसे मेरे ख्याल से जब हम अकाउंट बनाते हैं ब्रिटिश एंड कंपनी का, एक बार दिखा देता हूं बना के, अगर आपको कंफ्यूजन है तो यहाँ पे हम जॉन एंड कंपनी का अकाउंट बना लेते हैं कि हम उससे भी परचेज करेंगे। यहाँ पे हम ये जॉन एंड कंपनी का अकाउंट बनाएंगे, तो ये हम खोलेंगे सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। आपको पता है ये सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर जाएगा, और यहाँ पे आपने मेंटेन बिल बाय बिल यस करना है, और यहाँ पे इंडिया की जगह आपने कंट्री जहां से आपने ये गुड्स इंपोर्ट किए हैं, ये पर्सन जहां का रहने वाला है जहां से गुड्स खरीद के लाए हो, मान लो ऑस्ट्रेलिया से, आपने सेलेक्ट कर लेना है, फर्दर डिटेल डालनी है, और ये जीएसटी ऑप्शन के ऊपर नहीं जाएगा, ये देख सकते हो आप, क्योंकि ये इंडिया का पर्सन नहीं है, तो जीएसटी तो इंडिया के अंदर लगती है, तो इसीलिए वहां पे आपने कुछ भी फॉलो नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली नहीं जाएगा। ठीक है, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, नॉट एप्लीकेबल, डीलर आ गया हमारा, टाइप ऑफ डीलर नोट एप्लीकेबल, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कि ये जो हमने गुड्स इंपोर्ट की हैं दूसरे कंट्री से, जो इंपोर्ट की हैं टैक्सेबल की हैं या एग्जम्प्टेड, मान लेते हैं हमने टैक्सेबल गुड्स इंपोर्ट की हैं, जो आइटम हम इंपोर्ट करके लेके आए हैं, जैसे एलईडी एलजी 42 इंच ये हमने इंपोर्ट किए हैं वहां से दूसरे कंट्री से, और ये हमारी लोकेशन जहाँ पे हम ये गुड्स रखेंगे, मान लेते हैं 50 पीस हमने खरीदे हैं वहां से, परचेज किए हैं 25,000 के बेस पे, ये 12 लाख रुपीस हमने उनको देने हैं, और जैसे ही आप अमाउंट डालोगे उसके बाद आपके सामने ये एक ग्रीन कलर का एक बॉक्स आएगा जहां पे पूछेगा कि जो आपने ये गुड्स परचेज की हैं इनमें से कितनी अमाउंट के ऊपर टैक्स लगेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि ये सारी अमाउंट के ऊपर टैक्स लगेगा, लेकिन आपने यहाँ पे परचेज अकाउंट में कोई टैक्स नहीं लगाना, क्योंकि जब हम इंपोर्ट करते हैं जिससे हम गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं हमने उसको कोई टैक्स नहीं देना, बाद में हम अपनी गवर्नमेंट को टैक्स देंगे इस परचेज के ऊपर, और इसीलिए इसको रिवर्स चार्ज भी बोलते हैं। ये जो परचेज करने वाला जब परचेज करते हुए इंपोर्ट करते हुए टैक्स देता है उसको रिवर्स चार्ज टैक्स बोलते हैं, क्योंकि नॉर्मली जीएसटी जो है सेल करने वाले देते हैं, लेकिन ये वो केस है जिसमें परचेज करने वाला गवर्नमेंट को जीएसटी देता है। प्रोवाइड जीएसटी डिटेल आपने यस करनी है, और यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री डाल देनी है, और उसके बाद यहाँ पे डेट डाल देनी है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया कि कैसे हम ये परचेज अकाउंट बनाते हैं। तो इस तरीके से हम ये परचेज अकाउंट बनाते हैं जैसे कि आप देख सकते हो, और ये जो अकाउंट आपने बनाया, एंट्री आपने डाली, इसके अंदर आपने कोई भी टैक्स नहीं लगाना, और बिल नंबर डाल के हम ये सेव कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ कैसे हम ये परचेज की एंट्री डालते हैं, और ऐसे ही जब हम परचेज करेंगे, मान लेते हैं अब हम एग्जम्प्टेड गुड्स भी परचेज कर रहे हैं, यहाँ पे सप्लायर नंबर डेट, और यहाँ पे जॉन एंड कंपनी से मान लेते हैं हमने ये गुड्स परचेज किए हैं, ये जॉन एंड कंपनी जिससे हम गुड्स खरीदेंगे। तो अब हम ये जो गुड्स खरीद रहे हैं, मान लेते हैं ये हमने एग्जम्प्टेड गुड्स परचेज किए हैं, तो यहाँ पे हम इम्पोर्ट परचेज एग्जम्प्टेड जीएसटी सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम आइटम सेलेक्ट कर लेंगे जैसे नील रेट आइटम है, या यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एग्जम्प्टेड जीएसटी आइटम। तो अगर नील रेट की आइटम है तो आप नील रेट सेलेक्ट कीजिए, अगर एग्जम्प्टेड आइटम, क्योंकि दोनों ही मैंने आपको बताया हम यहाँ पे परचेज लेजर के अंदर डाल सकते हैं, तो दोनों में कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे क्वांटिटी डालनी है, रेट जो भी आपने आइटम परचेज की है, और उसके बाद यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू डालनी है जिस टैक्स की वैल्यू आपने परचेज की है, एंटर करते चले जाना है, और प्रोवाइड डिटेल के अंदर जब हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो जब भी गुड्स इंपोर्ट की जाती हैं एक बिल होता है ट्रांसपोर्ट के द्वारा दिया जाता है कि कौन से ये शिप से गुड्स आई हैं, उसकी पूरी डिटेल उस बिल के अंदर होती है। तो यहाँ पे हमने वो ट्रांसपोर्ट बिल नंबर
जो होगा उसका नाम और जो उसके ऊपर डेट होगी, ये बिल डेट होती है, वो डेट आपने इसके ऊपर डाल देनी है। तो ये डेट आपने डालना नहीं भूलना, और उसके बाद आपने ये बिल नंबर डाल के इस एंट्री को सेव कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर भी हमने किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया। अच्छी तरह से देख लीजिए, कोई टैक्स नहीं लगाया क्योंकि इंपोर्ट करते हुए हमने कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन अब हम लगाएंगे टैक्स जो गुड्स हमने इंपोर्ट की थी, जो हमने टैक्सेबल गुड्स इंपोर्ट की थी 18% पे, जो हमने गुड्स परचेज की थी, हमें उनके ऊपर अपनी गवर्नमेंट को, जब हमारे इंडिया के अंदर ये गुड्स आएंगी, हमारे देश में एंटर करेंगी, उसी टाइम हमें इन गुड्स के ऊपर टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे हम जर्नल के अंदर जाकर इसकी एंट्री डालेंगे कि हमने गवर्नमेंट को टैक्स देना है जो गुड्स हमने इंपोर्ट की हैं, जिनके ऊपर टैक्स लगता है, यानी कि जो टैक्सेबल गुड्स हैं। तो इसके लिए आपने यहाँ पे एक अकाउंट ओपन करना है, टैक्स पेड ऑन इंपोर्ट। हम यहाँ पे अकाउंट खोलेंगे कि हमने जो गुड्स इंपोर्ट की हैं। तो ये आपको अलग अलग रेट के अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, ये आप एक ही अकाउंट खोल सकते हो, टैक्स पेड ऑन इंपोर्ट अंडर आप ये करंट एसेट के अंदर खोलोगे। और करंट एसेट के अंदर हमने इसलिए खोला क्योंकि बाद में हमें इस टैक्स का रिफंड मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब ये गुड्स हम जो इंपोर्ट करके लेके आए हैं, आगे सेल करेंगे, आने वाले टाइम में जब हम इनको सेल करेंगे, तब हमें इन गुड्स के ऊपर जो आउटपुट हम IGST चार्ज करेंगे सेल करते हुए, उसमें से ये जो हम टैक्स देने वाले हैं इंपोर्ट करते हुए, बाद में हमें रिफंड होगा। इसीलिए ये हमारी करंट एसेट है और इसको हम करंट एसेट के अंदर खोलेंगे। बस ये दो ऑप्शन ही फॉलो करनी है आपने, एक तो नेम लिखना है और अंडर आपने करंट एसेट, और उसके बाद कोई भी ऑप्शन आपने फॉलो नहीं करनी। और यहाँ पे जितना टैक्स बना वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं नीचे। ये 12,50,000 के ऊपर हमने ये टैक्स देना है और ये टैक्स बनता है 18%, हमने कैलकुलेट किया था। तो ये 18% हम टैक्स देंगे, अमाउंट बनेगी 2,25,000। तो ये 2,25,000 अमाउंट बनेगी और यहाँ पे हम 2,25,000 अमाउंट डाल देंगे और यहाँ पे क्रेडिट करेंगे हम, क्योंकि हमने टैक्स गवर्नमेंट को देना है। और ये जितनी भी हम इंपोर्ट करते हैं इसको हम एक तरह से इंटरस्टेट परचेज बोलते हैं, यानी कि एक तरह से हमने इंपोर्ट की हैं और हम इसके ऊपर इंटरस्टेट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने IGST गवर्नमेंट को देनी है। तो ये आउटपुट IGST अकाउंट मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ। आउटपुट हमें, वैसे तो आपको बनाना आता होगा, IGST हमने गवर्नमेंट को देनी है और ये अलग अलग रेट के आपने क्रिएट करने हैं, 18% के केस में 18%, 5% के केस में 5%। तो ये आपने अलग अलग अकाउंट बनाने हैं और इसको आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर डालोगे और यहाँ पे सिलेक्ट करोगे टाइप ऑफ ड्यूटी GST इंटीग्रेटेड टैक्स। तो ऐसे आपका ये अकाउंट बन जाएगा और आपने यहाँ पे अमाउंट डाल देनी है 2,25,000 की हमने गवर्नमेंट को देने हैं। लेकिन एक और बात, एंट्री सेव करने से पहले, यानी कि ये एंट्री डालने से पहले मैं एक बात बतानी भूल गया, आप जब ये इंपोर्ट की टैक्स की एंट्री डाल रहे हो, जो टैक्स हमने गवर्नमेंट को देना है, तब आपने यहाँ पे ऑल्ट जे प्रेस करना है। जब भी आप कोई टैक्स की एंट्री जर्नल के अंदर डालते हो, यानी कि गवर्नमेंट को कोई टैक्स देते हो, बाद में जर्नल के अंदर कोई एडजस्टमेंट एंट्री डालते हो GST से रिलेटेड, तो आपको ऑल्ट जे प्रेस करना है, GST सेलेक्ट करना है और आपकी ये इंक्रीज हो रही है टैक्स लायबिलिटी कि हमने गवर्नमेंट को टैक्स देना है, उसकी हम ये लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो हमने आउटपुट IGST को क्रेडिट किया है, तो हम ये इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी सेलेक्ट करेंगे और ये हम टैक्स लायबिलिटी क्यों इंक्रीज कर रहे हैं इसमें से रीजन सेलेक्ट करेंगे कि ये हमारी लायबिलिटी बढ़ क्यों रही है, क्योंकि हमने गुड्स इंपोर्ट की हैं। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि हमने ये गुड्स इंपोर्ट की हैं, इसीलिए ये हमारी टैक्स की लायबिलिटी बढ़ रही है। तो इस तरीके से हम ये इंपोर्ट की एंट्री को डालते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको पता चला कि इंपोर्ट की टैक्स की एंट्री को हम किस तरीके से डालते हैं। तो ये बातें आप लोगों ने ध्यान देनी है, समझनी है और कैसे टैक्स लगाना है अच्छी तरह से देख लीजिए। अब आपने ये एंट्री सेव कर लेनी है। ऐसे हम ये टैक्स जो गवर्नमेंट को हमने देना होता है उसकी एंट्री डालते हैं और बाद में हम ये आउटपुट IGST को पेमेंट वाउचर के अंदर डालकर, अगर आपको नहीं आती तो मेरी उस वीडियो को सुनिएगा जिसमें मैं आपको ये आउटपुट IGST या जो भी टैक्स हमने गवर्नमेंट को देना है उसकी एंट्री हम डालते हैं। तो चलिए
इस तरीके से हम ये ट्रीटमेंट करते हैं, और जितनी भी एंट्रीज आप ये डालते हो, परचेज की एंट्रीज डालते हो, इसकी डिटेल आप देखोगे डिस्प्ले के अंदर जाकर, ये गवर्नमेंट एक रिपोर्ट हमारी ये टैली क्रिएट करती है, GSTR2 के अंदर आप जाकर इसकी रिपोर्ट देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको, क्योंकि हमने परचेज की है, जितनी भी परचेज की हमारी रिपोर्ट है हमें इस GSTR2 में टैली क्रिएट करती है यहाँ पे मिलेगी, और ये पड़ी है हमारी परचेज जो हमने गुड्स इंपोर्ट की है। जितनी भी आप गुड्स इंपोर्ट करते हो, इस फिफ्थ पॉइंट को देखिए, लिखा भी हुआ है साफ साफ, इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनवॉइस, जितनी भी हमने परचेज की है उनकी डिटेल आपको यहाँ पे जैसे ही एंटर करोगे यहाँ पे मिलेगी। ये देखिए, हमने ब्रिटिश एंड कंपनी से परचेज की थी, चाहे आपने टैक्सेबल गुड्स परचेज की हैं, चाहे आपने एग्जम्प्टेड गुड्स परचेज की हैं, लेकिन जब भी आप गुड्स इंपोर्ट करोगे उसकी डिटेल आपको इस इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनवॉइस के अंदर डिटेल मिलेगी। तो आज का हमारी जो केस है, ये डिस्कशन केस इतना ही रहेगा, बाकी डिस्कशन हम आने वाले नेक्स्ट टॉपिक के अंदर करेंगे।